अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं फिर से जेवल भाई की वीडियो, बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाली है। विक्टर बिकम रहीस, बजमियाई फनी कमेंट्री है, चलिए देखते हैं। ब्रदर टू द बजमियाई के विदाउट सबसे खतरनाक वाली गेम प्ले में, और आज के गेम प्ले में तुम्हारा भाई आया है क्यूआरई। तो भाई साहब हम लैंड करने वाले हैं, और यार यहाँ पर कोई बंदा आया नहीं, तो चलिए धंधा शुरू करते हैं। भाई साहब सीधा कुबेर धन के ऊपर ही लैंड कर गया। अबे देखो यार, बिना बात घुमाए हम आते हैं सीधा मुद्दे पे। सामने हमारा टीममेट की पेटी बन गई है, और हम जा रहे हैं साइकिल से उसको पहले मारने जिसने उसको मारा। नहीं नहीं, घबराने वाली बात नहीं, मैं मारने ही जा रहा हूँ। कुछ लोग को ये सुनाई दिया होगा कि भाई लॉबी जाने की बात कर रहे हैं। गंदी सोच वाले इंसान, तुम जैसे लोगों की सोच की वजह से ही आज तुम्हारा भाई विकास नहीं कर पा रहा है। खैर भाई साहब, हमको सामने बंदा दिख गया है। अब तुम्हारे भाई ने उसको बगल से बगलिया दिया। साला नाम क्या रखा बे, पेलम पेल। छोड़ो भाई साहब, इसका नाम है पेलम, जिसको हमने पेल दिया। अभी देखो यार, तुम्हारा भाई यहाँ से काफी दूर निकल गया था, तभी हमारे टीममेट ने हमारे नाम की गुहार लगाई। बोला कि भाई साहब यार वापिस आओ यार, हमसे तो एक बंदे की उखाड़ी नहीं उखड़ रही है। और यार इतना बात सुनते ही आज मुझे पता चला मेरे अंदर भी कुछ खासियत है, तो अगर इसी खासियत की वजह से अगर मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा तो चप्पल भी खाऊंगा। अब देखो तुम्हारा भाई कैसे उखाड़ के छीछा लेदर करता है। अब देखो यार, उसको मारना इतना आसान तो नहीं है, वो हम फ्लो फ्लो में बोल दिए थे छीछा लेदर। पहले बात तो हमको करना पड़ेगा गोला। देख रहे हो लौंडे की जवानी, दो टीममेट को हमारे नॉक कर दिया बे। रुको साले को बताता हूँ। हो ना हो भाई साहब, गोले से और मेरे स्प्रे से तो वो डैमेज तो हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको रस करना चाहिए। अबे साले तेरी, अरे तेरी माँ का पैर छुआ साला, मार दीस। रुक जा भाई साहब, रिकॉल हो कि इसको साले को बताता हूँ मैं। अगर इसके साले के खपड़ी में जाके ना अगर कबड्डी खेली ना, तो मेरा नाम बदल देना। इसके साले के पास में ही लैंड करूंगा मैं। मतलब कि यार मजाक बना रखा है भाई, कोई भी आता है मार के चला जाता है। हमको नहीं, हमारे टीममेट को, वो तो हम प्रशिक्षण कर रहे थे कितना ज्यादा प्रो है, तो उसका निष्कर्ष ये निकल के आया है प्रो है बट हमसे ज्यादा नहीं है। रुको साले को उसके खपड़ी में जाके कूद के मारेंगे। अबे स्मोक करके निकल गया क्या साला, लगता है वहीं पे घुसा है, पीछे है भाई, पीछे से एक में बता रहे हैं यार ये लोग तो। रुको थोड़ा परख लेते हैं उसको, लौंडे का क्लोज रेंज बहुत अच्छा है, सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। अबे निकल ना भाई, अबे निकल, देख तेरे सामने तमाम सेटिंग आई है भाई, बाहर देख। वाह रे साले ठरकी, जैसे सेटिंग का नाम लिया भाई साहब निकल के भाग लिया बाहर। मतलब समझ रहे हो, ये हमको फ्यूचर में कंपटीशन दे सकता था, इसलिए हमने इसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। चलो खैर भाई साहब, जोन में तो आ गए, लेकिन यार हमारे M4 में एमओ नहीं है। अभी भाई साहब 30 एमओ तो हमने लूट में ले लिया, और एमओ हमारे टीममेट दे रहे हैं, ला दे रे बाबा। अरे 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 भाई थैंक यू लेके जा। अरे 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 थैंक यू बोलना यार। अरे अरे थैंक यू यार भाई, यार लव यू यार, लो लो चुम्मी लो। अभी देखो भाई साहब, हम आ गए हैं लेटरिंग बेस साइड, मिलिट्री बेस साइड, और जो सामने का दृश्य आपको दिख रहा है ना पीला पीला, वो भाई साहब फ्लेयर डपोर किसी ने मंगाया है। और अब तुम्हारा भाई जा रहा है वहाँ पे हाथ मारने। तो खैर वो लौंडा कोई भी हो, लेकिन है तो जिगर वाला, साले ने ऊपर में चला रखी है। अभी देखो साले का जाके करियर खत्म कर तुम, आप लोग टेंशन ना लो। देखो यहाँ से जाऊंगा सीधा लॉबी, नहीं नहीं मतलब कि सीधा रस करूंगा। देखो यार वहाँ पे बंदे चाहे चार चाहे चौदह, भाई साहब पूरा घुस के मारूंगा। ऊपर से हमारे पास है साइलेंट किलर, बोले तो साइकिल, जिसको हम यहीं पर खड़ कर देते हैं, क्योंकि यार पूरी की पूरी स्क्वाड हो सकती है ना, इसलिए मेरी फटती तो बिल्कुल नहीं है। अब यार देखो काफी सारे लोग कहेंगे क्या जबरदस्ती है यार, फट रही है फिर भी बोल रहे फटती नहीं है। देखो फटती नहीं है यार, वाकई में सीलन निकल जाए वो बात अलग है। अब यार देखो हम आराम से रेंगते रेंगते आ गए डपोर के पास, और तभी देखते कोई है ही नहीं डपोर के आसपास। देखा भाई हमने कितनी सतर्कता बरती, अगर मान लो अभी हम उठ के आते तो हमारी पेटी ना बन जाती। अबे पवन 4 नंबर की KD देखिए जरा कितनी की है, उसी हिसाब से रस करेंगे। 5.9 के 5। अबे मेरी बता दी भाई साहब, ये इसने मेरी बता दी, चलो कोई बात नहीं, इसकी तो होगी कम से कम 0.5 की। अभी यार देखो भाई साहब हम जा रहे हैं डपोर पे नजर डालने, कोई बंदा शायद मिल जाए, लेकिन कोई मिला ही नहीं। खैर छोड़ो भाई साहब, अभी दबा के किल मिलने वाले हैं, क्योंकि यार इतने ही बड़े जोन में 12 बंदे अलाइव हैं। अबे हमारा विमान क्रैश हो गया यार। अब यार गाड़ी तो हमारी क्रैश हो गई, लेकिन सामने से एक बंदा लेट के फायर कर रहा है। रुको भाई साहब उसको डराते हैं हम। अबे साले हमारे सामने सान पत्ती झाड़ रही है तू। अबे निकल ले भाई, निकल ले यहाँ से तू, निकल। 4 नंबर तेरी तो वैसे भी KD माइनस में जा रही है, निकल ले भाई। अरे निकल ले भाई 4 नंबर, नहीं तो तेरे को लोन लेके KD दिखाना पड़ेगा। अगर इस बार मरा ना तू तो तेरी KD तो खत्म। तो भाई साहब यार सामने के साइड कुछ बंदे आपस में मारा मारी कर रहे हैं, हम जा रहे हैं बीच में टांग अड़ाने। तो भाई साहब यार टांग अड़ाने का तो पता नहीं, लेकिन यार हाँ लेटा रहूंगा इस बात पे, अड़ा रहूंगा। साला इधर ही तो फायर कर रहा था, है कहाँ पे, कवर में चलते भाई साहब, नहीं तो कोई अड़ाने को छोड़े लड़ा देगा। तो भाई यार उधर कोई बंदा ही नहीं दिख रहा था, इसलिए हम बैक आ गए फिर से। हम कहे अपने टीममेट को थोड़ा कवर दे देते हैं। अब यार हम इधर आ गए, लेकिन हमको अपने टीममेट को आशीर्वाद देने का मन कर रहा है,
साला कोई बंदा ही नहीं दिख रहा है, या हमारा एक टीममेट कहीं नॉक हो गया। इग्नोर गाइस, इग्नोर, इग्नोर करो ये सब। जब हमको रिवाइव में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों फालतू बात करें, है ना। और तो और पेटी भी लूट नहीं सकते, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। जो पेटी लूटने का धंधा है ना, ये मेरे गेम प्ले में शक्तिवर्धक टॉनिक की तरह काम करता है। अभी यार देखो, जो पीछे वाला पेड़ है ना, उधर आसपास हमको बंदा लग रहा है। खैर छोड़, इग्नोर करो, मारना तो वैसे भी नहीं है उसको। भाई साहब अगर यहाँ से फायर कर दिया ना, बंदा पता नहीं लॉबी जाए या ना जाए, लेकिन मैं जरूर चला जाऊंगा, वो भी उससे पहले। इसलिए भाई साहब हमको यहाँ पर चारों तरफ से पड़ सकती है, थोड़ा कवर में चलते, नहीं तो कवर खुद जाएगी। अबे लास्ट वाला भी खत्म हो गया क्या, सारे बताया भी नहीं। अबे यार काफी सारे लोग मेरा ये रूप देख के भयभीत हो गए होंगे, यही कह रहे होंगे कि लोमड़ी की तरह दहाड़ने वाला लौंडा आज लेटा कैसे है। मतलब कि जो बंदा हर बात बात पे क्लच करता रहता था, भाई साहब ऐसा जिगल ऐसा एम मारता, वो आज लेटा कैसे है। कोई बात नहीं भाई, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि आप लोग मेरे बारे में इस तरह सोच रहे हो। अब देखो पीछे भी दो बंदे हैं, एक मिनट नॉक हो जा, लास्ट वन बचा है भाई साहब। ये लगता है ओपन में पेल के मानेगा हमको। अबे अबे भाई, देखा पांच किल तो ऐसे ही कर दिया यार तुम्हारे भाई ने। अब देखो यार दो बंदे बचे हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे और जोनाथन के लिए। हमारा नेचुरल क्लच क्लच करते रहते हैं जोनाथन भाई के 4 मिलियन सब्सक्राइबर। साले लास्ट फर्स्ट एड लगा रहा हूँ, अगर इस बार तूने उंगली किया ना तो मैं पूरा पैर घुसेड़ दूंगा पिछले गलती के लिए। भाई जोनाथन भाई के 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। जोनाथन भाई की जो फैमिली है, प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम जोनाथन भाई पर लाएंगे, और जॉनी भाई का गेम भी काफ़ी ज़बरदस्त है, तभी आप जॉनी भाई को भी फॉलो करें और उनके 4 मिलियन हो गए हैं, उसी खुशी में ही हमें भी सब्सक्राइब करें और हमारी मज़ीद वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम उन जॉनी भाई की ही फैमिली है। सॉरी बोल। और भाई मुझे इतना सीरियस क्यों ले लिया तुमने, मजाक में मारते तो भी मर जाता। कमजोर नहीं हो, संस्कार है मेरे, गांधी जी के राहों पे चलता हूँ। मेरे घर के आगे गांधी मार्ग है, वहीं पे चलता हूँ कभी बाहर जाना होता है तो। तो भाई साहब हमने दूसरा मैच लगा दिया है और एक बोट भी मार लिया है, तो आज के ज्ञान की बात कर लेते हैं। देखो हमें अपनी लाइफ में कभी भी नारी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी की वजह से घर की शोभा बढ़ती है, और नारी ही हमारे घर के मान प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। नारी की वजह से हमारे घर में साफ सफाई रहती है, और नारे तो केवल नारे बांधते हैं अपने, तो नारियों का ध्यान रखा करें, क्योंकि अगर कहीं से भी फूट गई, पानी लीक हुआ, तो नगर निगम वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अभी देखो भाई साहब, हमारे 4 नंबर टीममेट के पास कुछ बंदे आ गए हैं, और यार उसको मारना इतना आसान बात नहीं था, इसलिए उसने हमको बुलाया। और यार तुम्हारा भाई साथ फरिश्ता बन के उसके लिए आया हूँ। अब देखो तुम्हारा भाई कैसे थूटता है, देखा भाई साहब, बोला था ना मैंने। देखो यार तुम्हारे भाई के अंदर 2 गुण है, पहले तो मैं मारता नहीं, दूसरा जब मारने जाता हूँ तो मर जाता हूँ। अबे ओ दूर हट साले, लूटने दे, दूर रहे मेरे से, साला रिवाइव मांग रहा है बे मेरे से। अब देखो तुम्हारे भाई ने एक बुलेरो निकलवाई है यार। अब देखो यार सामने वाली पहाड़ी के पास कुछ बंदे आ गए हैं, वो सब छोड़ो, पहले बताओ कैसी हैं, हमारी चरपहिया कैसे लगी ये बताओ। फिलहाल हमने सामने एक बंदा नॉक कर दिया है, मैं तो होते होते रह गया है। फिलहाल भाई साहब हमारे 2 नंबर टीममेट देखो अभी कितने बार नॉक होते हैं। अभी देखो इनका यहाँ पर 1 प्लेट हो गया है। हाँ अब देखो हम थोड़ा 250 ग्राम हीलिंग कर लेते हैं, फिर सालों को बता। अभी यार देखो हमारे रिवाइव होते ही 2 नंबर फिर से नॉक दिख रहा है, और हमारा एक टीममेट कह रहा है इनका लास्ट बंदा बच्चा किधर है। अबे इसको तो मैंने सही ढंग से मारा भी नहीं, कैसे मर गया। फिलहाल यार देखो केवल अभी भी 2 नंबर को, केवल उसकी पेटी कैसे बनती है। अभी यार देखो तुम्हारा भाई प्रयास करते है उसको बचाने का, लेकिन तभी तुम्हारा भाई समझ जाता है कि इसका विधि का विधान तो होके रहेगा। अभी देखो यार तुम्हारा भाई सभी पेटियों को छोड़ के अपने टीममेट को देख रहा है, क्योंकि अब तुम्हारा भाई टीममेट की इंपॉर्टेंस समझ गया है कि कितने इंपॉर्टेंट होते अपने टीममेट। अबे छोड़ भाग साले, बंदे आ गए, मैं तो तो गाइज वीडियो एंड तक आपने देख लिया, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।